हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के नेक्स्ट पार्ट की, विच इज़ कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। सर्किट में यूज़ करने के लिए सिर्फ एक कैपेसिटर यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ मेकिंग इट। तो हम क्या करते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस बनाते हैं, कैपेसिटर्स बनाते हैं, और जो हमें रिक्वायर्ड कैपेसिटर्स चाहिए, जो कैपेसिटेंस चाहिए, वो अचीव करते हैं। तो ग्रुपिंग सर्किट में प्रैक्टिकली ज़रूरी होती है और इसलिए हमें पढ़ना भी होता है इसको। अब कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि कितना चार्ज स्टोर होता है, क्यू इक्वल टू सी वी एम फॉर्मूला सब बात कर चुके। तो ग्रुपिंग की जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक हमने सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स बनाया, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यूज़ किया, उसके अक्रॉस एक बैटरी लगाई पोटेंशियल डिफरेंस वी की, तो जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी, मतलब जब सारे कैपेसिटर्स अपने अपने मैक्सिमम चार्ज लिमिट पे पहुंच जाएंगे, तब अगर बात की जाए कि टोटल चार्ज डेल्टा क्यू यहां से फ्लो हुआ होगा, लेट्स से इनिशियल चार्ज सब पे जीरो था, अभी डेल्टा क्यू चार्ज सब पे फ्लो हुआ, तो यही अगर मैं एक सिंगल कैपेसिटर लगाता उसी वी बैटरी के अक्रॉस और सेम चार्ज फ्लो होता डेल्टा क्यू, तो मैं क्या कहता कि ये जो सिंगल कैपेसिटर है, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे इसमें सेम चार्ज फ्लो हुआ। और हम तो जानते ही हैं कि डेल्टा क्यू को क्या लिखा जाएगा, फिर सी इक्विवेलेंट इनटू वी, या आपको सी इक्विवेलेंट जब फाइंड करना है तो आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाय वी। तो अगर आपको चार्ज फ्लो पता चल गया, कितनी बैटरी आपने लगाई थी ये आपको पता ही है, तो क्या आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यही हम मेथड यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो जब भी हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे सेम चार्ज फ्लो हुआ तो इक्विवेलेंट है एक सिंगल कैपेसिटर इस पूरे ग्रुप के। या ये भी कहा जा सकता है कि अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे सेम एनर्जी स्टोर हो रही है इस ग्रुप में या इस एक सिंगल कैपेसिटर में, तो भी ये बोला जाएगा कि दिस कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू दिस ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो चाहे आप टोटल चार्ज फ्लो की बात करें, चाहे एनर्जी स्टोरेज की बात करें, दोनों में सेम हम कहेंगे कि दिस इज इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की, जो कॉम्बिनेशंस हम पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब जब हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, तो हम बोलेंगे कि वो सारे कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसका मतलब ऐसा कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ, ये तीन कैपेसिटर्स यहाँ पे हमारे पास हैं इस तरीके से, इन तीनों को मैंने अरेंज कर दिया एक कनेक्शन में इस तरीके से, ठीक है। ये एक कनेक्शन मैंने बनाया और इस कनेक्शन के अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो कैपेसिटर है C1, C2, C3, ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है वी, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस C1 के अक्रॉस भी है, इस C2 के अक्रॉस भी है और इस C3 के अक्रॉस भी है। लिखना आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए। अगर मैं पोटेंशियल यहाँ पे जीरो मानता हूँ तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी जो प्रोवाइड करती है, तो अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ कितना होगा, V होगा, इसी को बोला था पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आपको मिल गया V। अच्छा, जब भी वायर्स पे चलते हैं, जब कोई बीच में एलिमेंट नहीं है, तो पोटेंशियल सेम रहता है, मतलब यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ऐसे ही जब यहाँ V है तो ये भी V, ये पॉइंट भी V, ये भी पॉइंट V, सारे पॉइंट्स किस पोटेंशियल पे हो जाएंगे, वी पोटेंशियल पे। तो अब ध्यान से देखो, क्या हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो वी, जीरो वी, जीरो वी आ रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। तो ये तीनों कैपेसिटर्स कैसे कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अभी बात करते हैं कि इनका इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए। तो इक्विवेलेंट निकालने का हमने क्या बोला था कि टोटल चार्ज जितना फ्लो हुआ, टोटल जितना चार्ज फ्लो होगा उसके हिसाब से हम इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि टोटल चार्ज जैसे क्यू फाइनल क्यू एफ लिखता हूँ मैं फ्लो हुआ, तो लेट्स से इस पे चार्ज आया Q1, तो अगर फ्लो हुआ तो यहाँ पे आएगा Q1, यहाँ आएगा माइनस Q1, यहाँ आएगा प्लस Q2, यहाँ आएगा माइनस Q2, प्लस Q3, माइनस Q3,
ठीक है, चार्ज फ्लो होना मतलब इन सारी प्लेट्स से चार्ज निकल के इन सारी प्लेट्स तक पहुंचा। ऐसे ही तो हमने चार्जिंग किया था कैपेसिटर की, जब कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लगाया था तो हमने क्या बोला था कि चार्ज यहाँ से फ्लो होके इस पर इकट्ठा हो रहा है, तभी यहाँ पे माइनस क्यू बोला और यहाँ पे प्लस क्यू बोला था। ऐसे ही अगर ये तीनों से चार्ज निकला इतना 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 और इन पर इकट्ठा हुआ इधर आके, तो हम बोलेंगे कि दिस इज़ दी टोटल चार्ज फ्लो, जिसको लिखा जा सकता है क्यू फ्लो इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, दिस इज द समेशन ऑफ दीज थ्री चार्जेस। तो नेट फ्लो आपके पास हो जाएगा Q1 वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। ओके, बहुत बढ़िया। अब Q1, Q2, Q3 कैसे लिखें? तो अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, C3 है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो क्या Q इक्वल टू CV यूज़ कर सकते हैं? तो क्या लिखूंगा, Q1 के लिए C1V, C2V, C3V। कोई दिक्कत इस बात पे? तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। इक्विलेंट, इक्विलेंट हमने कैसे बनाया था कि अगर इस पूरे का इक्विलेंट बनाऊंगा तो एक सी इक्विलेंट बनाऊंगा ऐसा, जिसको अगर सेम बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करूं तो सेम चार्ज फ्लो होना चाहिए, इसी को हमने बोला था इक्विवेलेंट। तो इसके लिए अगर मैं लिखूँ यही क्यू, तो क्या लिखूंगा, सी इक्विवेलेंट इनटू वी। देखो एक कैपेसिटर है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, ये लिखा जाएगा चार्ज फ्लो, सब जगह से वी कैंसिल, फाइनल बचा आपके पास सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। दिस इज द कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपने टेंथ में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस का पढ़ा था, तो याद करो ये जो फॉर्मूला आता था ना, सिमिलर फॉर्मूला वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आता था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स। ठीक है, याद रखने में आसानी रहती है कि कैपेसिटर का पैरेलल और रेजिस्टेंस का सीरीज, ये कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला सेम आते हैं। R1 वहाँ आता था R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ आता है पैरेलल में C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है बात यहाँ तक? तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब सोचो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, तीन ले लिया आपने इस तरीके के कैपेसिटर्स, तीनों को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के अक्रॉस, ये हो गया लेट्स से 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, 100 वोल्ट्स की एक बैटरी है, सारे माइक्रोफेरेड्स में। पूछा आपसे कि बताइए तीनों के अक्रॉस चार्जेस कितने कितने हैं, और तीनों पे ये पूछ लिया कि भाई हाँ नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई तीनों हमें दिख रहे हैं, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो अगर सी इक्विवेलेंट लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 5, मतलब 10 माइक्रोफेरेड्स, दिस इज सी इक्विवेलेंट, कोई खास बात नहीं थी। अगर मुझे इस पे चार्ज लिखना है क्यू वन, इस पे क्यू टू और इस पे क्यू थ्री, तो Q1 क्या लिखा जाएगा, C1 into V, क्योंकि V सब पे सेम है, तो C1 into V, C1 कितना है 2 into V कितना है 100, बैटरी कितनी की 100, कितना आया ये 200 माइक्रो कूलम्ब, है ना, माइक्रो फेरेड था तो माइक्रो के साथ में चले गई माइक्रो कूलम्ब्स। ऐसे Q2 अगर लिखें तो यहाँ कितना है 3, तो 3 into 100, 300 माइक्रो कूलम्ब। ऐसे अगर Q3 लिखा जाएगा तो आएगा 500 माइक्रो कूलम्ब्स। ठीक है, कोई खास बात नहीं है इसमें। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो डेल्टा क्यू एफ अगर आपसे पूछा है चार्ज फ्लो, तो हम लिख लेंगे 200 प्लस 300 प्लस 500, कितना आ गया यहाँ से आपके पास 10, मतलब 1000 आ गया ये आपके पास, 1000 माइक्रो कूलम्ब्स। तो आप चाहे तो यहाँ से पूछ निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो टोटल चार्ज फ्लो अगर सी इक्विवेलेंट से निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, सी इक्विवेलेंट इनटू वी, क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना, तो C इक्विवेलेंट कितना आपके पास 10, V है 100, फिर भी आया देखो 1000। तो यही अपन ने प्रूव इसी से किया था, अपन ने यही दोनों तो से प्रूव किया था ये फाइनल फॉर्मूला। देखो दोनों में चार्ज इक्वल किया था, चार्ज फ्लो एक बार C इक्विवेलेंट से एक बार अलग अलग, सेम आ गए, कोई खास बात नहीं है उसमें। अगर आपसे पूछते कि बताओ कितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुई, तो क्या करते, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एक बार। ओके, पूछा आपसे कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स बताओ, तो क्या करेंगे, हर कैपेसिटर की क्या अलग अलग एनर्जी लिखी जा सकती है? अभी हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना था, हाफ सी वी स्क्वायर, रिमेंबर? तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो आपको पूछा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स बताइए,
तो अगर फर्स्ट की बात करूं तो लिखूंगा हाफ सी वन वी स्क्वायर, कितना है इसका सी वन टू, तो हाफ इंटू टू इंटू वी इज 100 का स्क्वायर, कितना आएगा आपके पास 2 माइक्रो फैराड्स है, तो एनर्जी में भी माइक्रो आएगा, 2 कैंसिल, ये आया 10 टू द पावर 4 माइक्रो जूल्स। क्लियर है, एनर्जी जूल में आएगी और ये 2 माइक्रो फैराड था इसलिए माइक्रो साथ में आया, माइक्रो जूल्स, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2 जूल्स। क्लियर है, माइक्रो इज 10 टू द पावर माइनस 6। अगर सेकंड की बात करें तो हाफ सी टू वी स्क्वायर लिखेंगे, तो हाफ इंटू 3 है ना सेकंड, इंटू 100 का स्क्वायर, ये आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 माइक्रो जूल्स। ऐसे अगर थर्ड की बात करें तो हाफ सी थ्री वी स्क्वायर आ जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 100 का स्क्वायर विच इज़ 5/2, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 माइक्रो जूल्स। टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी सिस्टम में, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा सबका सम, तो 1 + 2 + 3 ये हो जाएगी टोटल एनर्जी स्टोर्ड। कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा 10 टू द पावर 4 कॉमन ले लिया मैंने सब जगह से, 10 टू द पावर 4 कॉमन है, तो 1 + 1.5 + 2.5 कितना आया ये 5, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 माइक्रो जूल्स, दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द इस सिस्टम में। क्लियर है बात, पक्की बात, क्या इसको मैं और किसी तरीके से निकाल सकता था, टोटल एनर्जी अगर मुझे निकालनी होती थी तो सोचो सी इक्विवेलेंट से क्या मैं निकाल सकता था। देखो टोटल एनर्जी को मैं एक और तरीका कर सकता हूँ, हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर, क्या यही तो मैंने बोला था कि इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो टोटल एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। तो जो इस कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर हुई है, अगर मैं एक सिंगल कैपेसिटर लेता ऑफ दिस कैपेसिटेंस तो भी उतनी ही एनर्जी स्टोर होनी चाहिए थी। चेक कर लो, हाफ सी इक्विवेलेंट कितना है 10, वी स्क्वायर 100 का स्क्वायर, देखो ये 5 इंटू 10 टू द पावर 4 माइक्रो जूल्स, क्या एनर्जी सेम आई, आनी भी चाहिए थी तभी तो इक्विवेलेंट कहा इसे हमने। क्लियर है बात, तो इंडिविजुअल एनर्जी निकालनी हो या ओवरऑल एनर्जी निकालनी हो आप सारे क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। अच्छा लेट्स से आपको पूछता है इसमें कि बताओ हीट जनरेशन कितनी है, तो हीट जनरेशन में आप क्या कहते हैं, याद करो लास्ट वीडियो में बात करी थी, हीट जनरेशन में जितना वर्क बैटरी ने किया माइनस जितनी एनर्जी स्टोर हुई, इसी को तो बोला था हीट जनरेशन। तो डेल्टा एच अगर लिखना है तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय बैटरी माइनस टोटल एनर्जी स्टोर्ड। वर्क डन बाय बैटरी कितना होता था, कितना चार्ज उससे फ्लो हुआ इंटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्यू इंटू वी, क्यू कितना फ्लो किया आपने टोटल 1000 माइक्रोकूलॉम, तो इसको लिखते हैं क्यू एफ इंटू वी माइनस यू, ये हो जाएगा 1000 माइक्रोकूलॉम इंटू वी इज 100 माइनस एनर्जी कितनी स्टोर हुई 5 इंटू 10 टू द पावर 4 माइक्रो जूल्स। क्लियर है बात, देखो कितना आंसर आता है, यहाँ से आपके पास आया 10 टू द पावर 5 माइक्रो कूलॉम, या सॉरी माइक्रो जूल्स हो गया ये भी, माइनस यहाँ से आया 5 इंटू 10 टू द पावर 4 माइक्रो जूल्स, दिस इज नथिंग बट 10 इंटू 10 टू द पावर 4, माइनस 5 करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 माइक्रो जूल्स, ये आपके पास आई एनर्जी, एंड दिस इज नथिंग बट सेम एज एनर्जी स्टोर्ड 5 × 10⁻⁴, हीट प्रोड्यूस 5 × 10⁻⁴, आना भी चाहिए था क्या, लास्ट वीडियो में आपको याद है हमने बोला था कि जब अनचार्ज्ड कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो 50% ऑफ द एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है और 50% हीट में चली जाती है, तो बिल्कुल दोनों सेम आए, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर ही ये भी आया। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे अनचार्ज थे इनिशियली, बाद में चार्ज हुए इस वजह से, अगर ऑलरेडी चार्ज होता तो हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, लेकिन ये अनचार्ज थे तो हम कह सकते हैं कि 50% ऑफ द एनर्जी स्टोर 50% हीट में। सारे क्वेश्चन आसान थे, आप आसानी से कर सकते हैं, पक्की बात है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। चलिए अभी बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो किसी कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कब बोलते हैं, जब उनसे सेम करंट फ्लो हो या सेम चार्ज उनसे पास हो रहा हो। जैसे ये तीन कैपेसिटर मैं सीरीज में बोलूंगा, क्योंकि देखो जितना भाई हमने जब स्विच क्लोज किया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो चार्ज फ्लो होने शुरू हुए, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला, जैसे क्यू चार्ज यहाँ से निकला, तो जब क्यू चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा है तो इस प्लेट पे कितना आ गया माइनस क्यू, है ना, क्यू यहाँ से निकल गया तो यहाँ कितना बचा माइनस क्यू। ये क्यू चार्ज फ्लो हुआ बैटरी से पास हुआ, फाइनली यहाँ पहुँचा, तो
तो ये इस पे आया प्लस क्यू। ओके, अब क्या यहाँ प्लस क्यू आया तो यहाँ माइनस क्यू आएगा, और यहाँ फिर से प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, इस तरीके से चलेगा। क्लियर है बात? ऐसा क्यों बोला मैं, क्योंकि यहाँ से जो चार्ज निकला, यहाँ से फिर से क्यू चार्ज निकला इस तरफ जो इस पे जमा हो गया, यहाँ से क्यू चार्ज निकला तो इस पे माइनस क्यू हो गया और इस पे प्लस क्यू हो गया। तो मतलब सेम चार्ज फ्लो हुआ इन तीनों कैपेसिटर से, इसलिए हमने बोला कि ये तीनों कैपेसिटर किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो इनके अक्रॉस आता है वो डिपेंड करता है इनके कैपेसिटेंस पे। क्यों? क्योंकि चार्ज तो तीनों में सेम है लेकिन तीनों का कैपेसिटेंस तो अलग अलग है ना। तो Q इक्वल टू CV अगर यूज करो तो क्या V इक्वल टू Q बाई C मिलता है? तो C अलग तो V भी अलग अलग होगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ कितना है, बैटरी की वजह से V है, तो यहाँ कितना कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में बराबर होगा। अगर V लिखा जाए तो V को मैं कितना लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से Q चार्ज इस पे स्टोर हुआ है, Q चार्ज इससे फ्लो हुआ था, तो V कितना लिखूंगा यहाँ से अगर देखें तो क्या Q इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V लिखूँ? अगर एक सिंगल कैपेसिटर होता इक्वलेंट तो ऐसे लिखते हैं, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ C इक्वलेंट इंटू, सॉरी अपने को V लिखना है, तो लिखा जाएगा Q बाय C इक्वलेंट। ठीक है, दिस इज V। अच्छा, V1 अगर लिखें तो यहाँ देखो कैपेसिटर था ये C1 था, चार्ज स्टोर हुआ इस पे Q और माइनस Q, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है V1, तो क्या लिखा जाएगा, Q इक्वल टू C1 V1, या V1 को क्या लिख सकते हैं, Q बाय C1। ऐसा ही हर एक कैपेसिटर के लिए लिखा जाएगा, तो Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3, तीनों पे चार्ज सेम है इसलिए सब पे चार्ज Q। Q सब जगह से कैंसिल हो गया, फाइनल फॉर्मूला बचा 1 बाय C इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। दिस इज द इक्वलेंट कैपेसिटेंस फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात? अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपने कहाँ देखा था, रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। तो दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या रजिस्टर्स। ठीक है, तो याद रखने में आसान हो जाएगा, कैपेसिटर में सीरीज तो रजिस्टर में पैरेलल। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। अच्छा, अगर देखो ये तो क्या है कि जितने भी कैपेसिटेंस हैं सब इसमें ऐड होते चले जाएंगे ऐसे ही वन बाई करके। दो के लिए जनरली आता है कि अगर दो कैपेसिटेंस हैं इस तरीके से सी वन सी टू, अपने को सीरीज बनाना है सी वन एंड सी टू सीरीज में, पूछा इनके लिए सी इक्वलेंट फॉर्मूला बताइए, तो ये याद होना चाहिए कि सी इक्वलेंट क्या होता था, वन बाई सी इक्वलेंट इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू। इसको अगर एलसीएम लेता हूँ तो आता है सी वन सी टू, ऊपर आएगा सी वन प्लस सी टू, दिस इज वन बाई सी इक्वलेंट, या सी इक्वलेंट अगर लिखें तो लिखा जाएगा सी वन सी टू बाय सी वन प्लस सी टू। दो के लिए ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखें तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, मतलब जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो दो के लिए फॉर्मूला याद रखेगा सी इक्वलेंट इक्वल टू सी वन सी टू बाय सी वन प्लस सी टू। चलिए, बहुत बढ़िया, तो आपने इक्विवेलेंट फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटर बना लेते हैं तीन, तीनों पे कोई भी एक वही वाले तीन ले लेते हैं जो अपन ने वहां लिए थे, टू थ्री एंड फाइव के, और बैटरी भी वही लगा देते हैं जो वहां लगाई थी, 100 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज़ टू दिस इज़ थ्री दिस इज़ फाइव, और सारे माइक्रोफेरेड्स में। ठीक है, तो माइक्रोफेरेड्स का ध्यान रखना, माइक्रोफेरेड्स में सारे। अब आपको पूछा गया कि बताइए सब पे चार्ज कितना है, सब पे चार्ज कितना है, तो सब पे चार्ज निकालने का क्या तरीका था, सब पे सेम चार्ज होगा पहली बात तो ये हमें पता है, और वो चार्ज वही होगा जो टोटल फ्लो हुआ। तो टोटल चार्ज फ्लो या सब पे चार्ज एक ही बात है, कैसे निकालें, तो सी इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं। C इक्विवेलेंट कितना होता है, तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री, क्योंकि तीनों सीरीज में हैं। निकालो तो 1 बाई टू प्लस 1 बाई थ्री प्लस 1 बाई फाइव, दिस इज 1 बाई सी इक्विवेलेंट। एलसीएम देखो कितना आता है इसका, एलसीएम आएगा इसका लो 30। ठीक है, तो 15 प्लस 10 प्लस 6, दिस इज कितना है ये 25 एंड 31 बाई 30,
तो सी इक्विवेलेंट आपके पास जो आया वो आया 30/31 माइक्रोफेरेड्स, दिस इज सी इक्विवेलेंट। ओके, आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था चार्ज, इन तीनों पे कितना कितना चार्ज है, तो तीनों पे चार्ज तो सेम ही होता, और कितना था, जितना कि इक्विवेलेंट पे था, तो हम लिख सकते हैं क्यू ऑन ईच इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू वी, सी इक्विवेलेंट इज 30/31 इनटू वी इज 100, ये आपके पास आ जाएगा 3000/31 माइक्रो कूलम्स, माइक्रो फैरेड चल रहा है ना, तो माइक्रो कूलम्स, क्लियर है बात, ये आपके पास आ गया टोटल चार्ज, तो सब पे प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरीके से हो जाएगा। आपसे पूछा कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, वी वन लिखा जाएगा क्यू बाई सी वन से, क्यू कितना है 3000/31 डिवाइडेड बाई सी वन कितना है 2, तो ये आपका आंसर आएगा 1500/31, और ये भी माइक्रोफेरेड्स में था, ये माइक्रो कूलम्स में था, माइक्रो माइक्रो कैंसिल बचा वोल्ट। इधर देखो V2 अगर देखा जाए तो Q बाई सी टू, सी टू है 3, तो 3000/31 डिवाइडेड बाई 3000/31 वोल्ट्स। ऐसे अगर V3 आपसे पूछा गया तो Q बाई सी थ्री आ जाएगा 3000/31 डिवाइडेड बाई 5, ये आपके पास आएगा 600/31 वोल्ट्स। और क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 भी आना चाहिए, चेक कर लो 1500 या 15+10 25+6 3100 ऊपर बन रहा है, डिवाइड बाय 31 है 100 आ रहा है, V इज 100 आना भी चाहिए था, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा इस सर्किट के लिए, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V मिल रहा है, कोई खास बात नहीं। अच्छा यहाँ आपसे पूछता है एनर्जी स्टोर बताओ, तो एनर्जी स्टोर क्या आती, अगर सब पे निकालनी अलग अलग तो हाफ सी वी स्क्वायर कर दो या क्यू स्क्वायर बाई टू सी कर दो, अपने को क्यू भी पता है और सी भी पता है, वो भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अब वी भी पता है तो वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, तो अगर फर्स्ट पे बात करें हाफ सी वी स्क्वायर से तो क्या क्या आ जाएगा, हाफ इंटू सी, सी कितना है इसका 2 माइक्रोफेरेड्स में चल रहा है, वी स्क्वायर, वी इस पर कितना था, वी वन बात करेंगे यहाँ पे, वी वन का स्क्वायर सी वन वी वन स्क्वायर 1500/31 का स्क्वायर, ये इसकी एनर्जी हो जाएगी माइक्रो जूल्स में आएगी क्योंकि माइक्रो फेरेड्स था अपने पास। ऐसे अगर 2 की एनर्जी और 3 की एनर्जी निकालनी है तो हाफ सी टू वी टू स्क्वायर और हाफ सी थ्री वी थ्री स्क्वायर कर सकते हैं, क्लियर है बात। टोटल एनर्जी निकालनी है तो टोटल एनर्जी का दो फॉर्मूला है मेरे पास, हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर, आसान फॉर्मूला यही था ना, क्योंकि हमने बोला था कि जितनी एनर्जी स्टोर होगी वो सी इक्विवेलेंट के इक्वल इसी एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, तो ये भी एक फॉर्मूला है, यहाँ से आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, सी इक्विवेलेंट आपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 30/31 इंटू वी, टोटल लेना पड़ेगा 100 का स्क्वायर माइक्रो जूल्स, ये आपकी आ जाएगी टोटल एनर्जी स्टोर। और अगर आपसे पूछा गया बताइए कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, तो हमें पता है कि ये इनिशियली अनचार्ज थे, अब पूरे पूरे चार्ज हो चुके हैं, अनचार्ज को जब पूरा चार्ज करते हैं तो हीट प्रोड्यूस कितनी होती है 50%, तो हम बोल सकते हैं कि जितना ये एनर्जी आएगी उसी के बराबर इसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वर्क डन बाय अगर बैटरी पूछा आपसे तो कितना हो जाएगा, या तो 2 times कर लो इसका, या आप निकाल भी सकते हैं क्यू फ्लो इंटू डेल्टा वी, क्यू कितना चार्ज कितना टोटल फ्लो हुआ, तो टोटल चार्ज फ्लो क्यू है, क्यू इज 3000/31 इंटू वी कितना था 100, इस तरीके से ये आ जाएगा और इसी की हाफ ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, क्लियर है सारी बातें। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद तक अपन ने सारी बातें कर ली, अपन नेक्स्ट चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इनसे रिलेटेड, कुछ और बातें भी देखेंगे इनसे कि क्या क्या और कर सकते हैं। जैसे अगर सारे कैपेसिटर्स हम सेम ले लें, भाई एन कैपेसिटर्स लिए हमने और सारे के सारे एक जैसे ले लिए, सब सी 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 वाले हैं, तो कितना नेट कैपेसिटेंस होगा, भाई सीरीज में लगाओ पैरेलल में लगाओ देखते हैं कितना कितना आएगा। आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके चलिए यहाँ देखिए कि अगर इक्वल कैपेसिटर्स हमने ले लिए तो क्या क्या इस पर इक्विवेलेंट चीज़ें आएंगी, देख लेते हैं जल्दी से।
अगर n इक्वल कैपेसिटर्स हमने सीरीज में लिए तो इक्विवेलेंट कितना बनेगा, तो सी इक्विवेलेंट हम लिखेंगे क्या, सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे जितना भी चलते रहेंगे n टाइम्स, यहाँ पे n कैपेसिटर्स हैं। तो देखो n टाइम्स अगर इसको मैं सम करता हूँ तो कितना आएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू n/C, क्योंकि n टाइम्स 1/C हो रहे हैं। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना मिला, C/N। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी इक्वल कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो 1/N हो जाता है या C/N हो जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है तो क्या सब पे पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होने वाला है, क्योंकि सब पे चार्जेस तो ऑलरेडी सेम है, सीरीज में है तो चार्ज तो सेम है, तो सब पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखें तो क्या लिख सकता हूँ, P=Q/C, ठीक है, ये Q=CV से आएगा, V=Q/C, यहाँ से आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट, सॉरी ऑन ईच, क्यू कितना है तो क्यू देख लो, अगर क्यू कितना फ्लो हुआ होगा यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं Q=CEQ(V), दिस इज क्यू फ्लोन या क्यू एफ, जो सब जगह है वही सेम है, तो क्यू एफ कितना हो जाएगा, C=इक्विवेलेंट इज C/N इंटू वी, जो आपने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है इसको अपन नाम देते हैं V1 या V' कर दीजिए इसे, ठीक है, जो सब पे है वो V' है, जो बैटरी है वो V है। तो ये हो गया आपके पास क्यू, CV/N यहाँ पर रख दीजिए, तो CV/N अगर रखता हूँ तो क्या मिला, नीचे भी एक C था तो आपके पास फाइनल आंसर है V/N। तो जो सब पे पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि सबका कैपेसिटर सेम है, सब पे चार्ज सेम है, तो सब पे पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस V/N, नेट कैपेसिटेंस C/N, याद रहना चाहिए, ये जनरली डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं इसलिए याद रहे तो अच्छी बात है। पैरेलल में चलते हैं, पैरेलल में देखो तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो C+C+C कितनी बार, m टाइम्स है, तो C इक्विवेलेंट विल बी m/C, क्लियर है बात। अगर आपसे पूछा गया सब पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो सब पे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, V रहेगा, तभी तो पैरेलल में कहेंगे इनको, पोटेंशियल डिफरेंस सब पे सेम है। अगर आपसे पूछा सब पे चार्ज, तो क्या चार्ज भी अब सब पे सेम हो जाएगा, क्योंकि सबका C सेम है, सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V सेम है, तो चार्ज ऑन ईच विल बी इक्वल टू C V। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा, क्यू एफ अगर बात करें तो भाई क्यू एफ कितना हो जाएगा, इस पे भी क्यू गया, इस पे भी क्यू गया, इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू, तो Q+Q+Q कितनी बार, m टाइम्स, m कैपेसिटर्स हैं, तो टोटल चार्ज फ्लो कितना हो जाएगा, m/Q, क्लियर है बात। और क्यू को क्या लिखा जा सकता है, m/CV, तो दिस इज द टोटल चार्ज फ्लो, ओके। बस आपको बेसिक बेसिक बातें याद रहनी चाहिए, टोटल चार्ज फ्लो विल बी m/charge on 1, सी इक्विवेलेंट विल बी m/capacitance of 1, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कैपेसिटेंस टोटल इक्विवेलेंट देखा जाए तो C/N, और सब पे पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो V/N, ये आपका पूरा हिसाब रहता है अगर n कॉम्बिनेशन या n इक्वल अगर आप कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में ऐड करते हैं तो, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके गाइस, तो ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, दो कैपेसिटर्स का एक कॉम्बिनेशन है, उनके जब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए गए, एक बार सीरीज एक बार पैरेलल, तो चार्ज और पोटेंशियल के बीच में ये एक ग्राफ बना, टोटल चार्ज और पोटेंशियल जो बैटरी लगाई थी उसके बीच में ये एक ग्राफ बना। आपसे पूछा गया कि बताइए कि वो दोनों कैपेसिटर्स कितने होंगे, C1 की वैल्यू कितनी होगी, C2 की वैल्यू कितनी होगी, इस ग्राफ को देख के बताना है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है वो ये कि जब हमने बात करी थी सीरीज कॉम्बिनेशन की तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, इधर लिख लेता हूँ मैं एक बार फिर आप करूँगा, सीरीज कॉम्बिनेशन था 1/C equivalent = 1/C1 + 1/C2, ठीक है। चलिए आप कोई भी दो वैल्यू लेती है, मान लीजिए ये है 3, ये है 6, ऐसा मैंने मान लिया, तो 1/C equivalent हमने दो के लिए फॉर्मूला भी पढ़ा था ना, C equivalent = C1 + C2, वैल्यू रखो तो 3 × 6/3 + 6 कितना है ये, 18/9 विच इज 2। ध्यान से देखिए क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 और 6 जब रखा तो कॉम्बिनेशन मिला 2, क्या ये 2 जो है वो 3 और 6 दोनों से ही छोटा है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट मिलता है वो किसी इंडिविजुअल कैपेसिटर से कम मिलता है। अब आप अगर वन और टू को कंबाइन करेंगे तो जो मिलेगा वो मिलेगा वन से भी कम, मतलब छोटे से भी छोटा मिलेगा आपको। ये सीरीज की खास बात होगी। पैरेलल की अगर बात करें तो आप पैरेलल में तो सीधा ही देख पाते हैं, पैरेलल में सी इक्विवेलेंट कितना लिखते हैं, सी वन प्लस सी टू, तो जो भी है बड़ा उससे भी बड़ा मिलेगा। लेट्स से ये थ्री और ये सिक्स था, टोटल कितना आएगा नाइन, मतलब ये जो नाइन है वो सिक्स से भी बड़ा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा मिलेगा इक्विवेलेंट, सीरीज में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा मिलेगा इक्विवेलेंट। तो ये खास बातें हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको इस फॉर्मेट में, लिख दीजिए कि अगर सीरीज है तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट इज लेस देन मिनिमम ऑफ सी वन सी टू जो भी है, और ऐसे ही पैरेलल में जो सी इक्विवेलेंट है वो इज मोर देन मैक्सिमम ऑफ सी वन सी टू जितने भी आ गए। क्लियर है? इन सब में से बड़े से भी बड़ा होगा पैरेलल, इन सब में से छोटे से भी छोटा होगा सीरीज में, ये काम यहाँ आने वाला है। अब देखो इस ग्राफ में, ग्राफ आपको दिया है क्यू और वी का। अब ये ग्राफ हमने अभी तक तो पढ़ा नहीं, तो पढ़ने की ज़रूरत अलग से नहीं है। देखो क्या हिसाब है, यहाँ पे हमें बताना कि क्यू इक्वल टू होता है सी वी, तो अगर मैं क्यू बाई वी करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, सी। अच्छा, ग्राफ का अगर स्लोप देखें तो क्या वो होगा क्यू बाई वी, मतलब क्यू वी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, कैपेसिटेंस। ये यहाँ पे खास बात है। तो ग्राफ से हमने पता चल लिया कि इसका जो स्लोप है वो कैपेसिटेंस देगा और सी इक्विवेलेंट देगा क्योंकि पूरे सिस्टम के लिए बनाया गया है। तो आपके पास दो सिचुएशन है, ए और बी, दोनों में सी इक्विवेलेंट अगर निकालें तो क्या क्या लिख सकते हैं। ए के लिए अगर देखें तो स्लोप कितना है, ए के लिए अगर बात करें तो स्लोप कितना है, स्लोप इज इस लाइन के लिए देखना है तो 500 बाय 10 ये इसका स्लोप हो जाएगा, मतलब 50 माइक्रोफेरेड्स। ऐसे ही अगर बी के लिए स्लोप देखें तो स्लोप कितना आएगा, 80 बाय 10 मतलब 8 माइक्रोफेरेड्स। माइक्रोफेरेड क्यों लिख रहा हूं मैं, माइक्रो कूलम्ब है या वोल्ट है, जो कैपेसिटेंस आएगा वो माइक्रोफेरेड्स में आएगा। ओके, अब ध्यान से देखो तो जो सीरीज था उसमें इक्विवेलेंट बनता था छोटा, पैरेलल में इक्विवेलेंट बनता था बड़ा, तो मतलब 50 जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए और जो 8 है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब ये जो 8 है इसके लिए मैं लिख सकता हूँ दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज में फॉर्मूला होता था सी वन सी टू बाय सी वन प्लस सी टू इक्वल टू 8, और पैरेलल में ये है 50 तो मैं इसके लिख सकता हूँ सी वन प्लस सी टू इक्वल टू 50। अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सी वन एंड सी टू, क्या आप आराम से फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, यही आपसे पूछा गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करके देखते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन से लिखता हूँ तो यहाँ से मैं लिखूंगा ऐसा कि सी वन सी टू इक्वल टू 8 टाइम्स सी वन प्लस सी टू, सी वन प्लस सी टू ये रहा, इसमें पुट करते हैं तो सी वन सी टू इक्वल टू 8 इंटू 50 या 400, तो सी वन सी टू इक्वल टू 400। एक इक्वेशन आपके पास आ गई, ये एक, ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है। यहाँ से मैं सी वन को लिख सकता हूँ, यहाँ से लिखूंगा सी वन इक्वल टू 50 माइनस सी टू, यहाँ पुट करता हूँ तो 50 माइनस सी टू इंटू सी टू इक्वल टू 400। सी टू में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएंगे 10 एंड 40। जो भी आपके आंसर आते हैं आप यहाँ से रखेंगे, तो अगर सी वन 10 है तो सी टू 40 हो जाएगा, सी वन 40 है तो सी टू 10 हो जाएगा, ये आपके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे, मतलब दोनों कैपेसिटर्स 10 और 40 का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है बात? 1040 को एक बार सीरीज में करेंगे तो सीरीज में करेंगे 8 आएगा, पैरेलल में करेंगे तो 50 आएगा। क्लियर है सारी बातें? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, अच्छा क्वेश्चन था। ग्राफ से हमने समझा स्लोप इज इक्वल टू सी, फिर यहाँ से देखा कि सी किस में ज़्यादा होता है, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज या पैरेलल, वहाँ से फॉर्मूला यूज़ करके हमने फाइनल इक्वेशंस बना के आंसर निकाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला है कैसा एक सर्किट दे रखा है, कॉम्बिनेशंस बना रखा है, ये पूछा आपको कि फाइनली इस 4 माइक्रोफेरेड पे चार्ज कितना होगा, ये आपको पूछा गया। ठीक है, 4 माइक्रोफेरेड पे चार्ज कितना है, क्या करें? अगर मुझे 4 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो मैं उस पर चार्ज भी बता दूंगा, यही बात है ना।
या फिर अगर मुझे यहाँ चार्ज कितना जा रहा है ये पता चल गया तो वो चार्ज भी पता चल जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो कोशिश करो कि या तो मुझे ये क्यू डायरेक्ट मिल जाए या फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए। करने का तरीका अभी हम जो बात करेंगे वो करेंगे कॉम्बिनेशन से, उसके बाद एक तरीका और है नोडल एनालिसिस कहते हैं, उसे हम अगले वीडियो में बात करेंगे उसकी। पर फिलहाल यहाँ पे कॉम्बिनेशन का जो हमने पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये कॉम्बिनेशन कैसा है, ये 1 और 5 क्या ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, दोनों मिलकर कितने बन जाएंगे 6। रिमेंबर पैरेलल में C1 + C2, तो ये हो गए दोनों मिलकर 6 माइक्रोफेरेड्स। अब ये दोनों ऊपर हैं, ये 6 और ये 4, दिस 6 एंड दिस 4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कितना होता है सीरीज में दो कॉम्बिनेशन जब बनते हैं तो 4 × 6 / 4 + 6 कितना हो जाएगा 24/10 2.4 माइक्रोफेरेड्स। ओके, तो आपके पास जो फाइनल सर्किट बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ये बीच में 3 है, ऊपर आपने जो टोटल कॉम्बिनेशन बनाया वो बनाया 2.4 का, और नीचे जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की। ये आपके पास अब सर्किट बन गया, रिड्यूस होकर ऐसा हो गया, समझ में आया ना। पहले इन दोनों को सीरीज में किया फिर जो बना उसको, सॉरी इन दोनों को पैरेलल में किया फिर जो बना उसके साथ सीरीज में इसको किया, यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब अपने को निकालना क्या था, चार्ज। तो देखो इस पर जो चार्ज होगा ना क्यू और माइनस क्यू वो निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को इस ब्रांच में 4 है और इसी ब्रांच पे चार्ज में अपन इंटरेस्टेड है। ये अगर मुझे क्यू निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी रहने वाला है सेम, क्योंकि अब ये दोनों पैरेलल में है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है वो यहाँ भी है। तो अगर मैं इस क्यू की बात करूँ तो उसको लिख सकता हूँ 2.4 × 10 क्यू इक्वल टू सी वी से, सी 2.4 वी 10, यहाँ से क्यू आपके पास आ गया 24 माइक्रो कूलम्ब्स। ओके बहुत बढ़िया, तो क्यू आपके पास आ गया 24, क्यू मतलब जो इस ब्रांच में टोटल करंट जा रहा है वो, ठीक है। आपसे पूछा कहाँ था, इस 4 माइक्रो फैरेड पे ना, तो क्या यही क्यू इस 4 पे भी होगा क्यू एंड माइनस क्यू, क्योंकि यही चार्ज तो इससे पास होगा। हाँ आगे जाके जरूर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये यहाँ कुछ Q1 हो जाएगा यहाँ कुछ Q2 हो जाएगा, क्योंकि अब पैरेलल में है, पैरेलल में चार्ज अलग अलग जाएगा, लेकिन यहाँ जो चार्ज चला वही तो 4 माइक्रोफेरेड पे होगा, तो यही तो आपने निकाला है अभी यहाँ पे क्यू, बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो पूछा गया था आपसे चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड, आंसर इज 24 माइक्रो कूलम्ब। क्लियर है बात, आसान सवाल था आसानी से कर सकते हैं। एक में थोड़ा इसका देखेंगे नोडल एनालिसिस अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस अभी हमने जो किए दोनों ही 2019 में मेंस में पूछे जा चुके हैं, आसान क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आसानी से बनते हैं, कैपेसिटर्स पे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। ओके तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और डाउट पूछते रहिए।